बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस समारोह के रूप में मनाया गया। इस दौरान पूरे प्रदेश में केक काटा गया और सपा बसपा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाइयां दी। बलरामपुर जिले में भी सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं ने मायावती के जन्मदिन को लेकर खासा उत्साह दिखा, लेकिन राम सागर अकेला एक अलग तरह की धुन बजाते दिखाई दिए। उन्होंने मंच से मीडिया को खूब कोसा। देखिए, एनडी टीवी को छोड़कर के देश के जितने भी पैनल यही बहस चला रहे हैं कि मोदी के डर से गठबंधन, ऐसे प्रधानमंत्री जिसका डर बता रहे हैं गठबंधन का, तो आप बताओ अपने पेड़ से कि 47 दलों का गठबंधन बना के वो किससे डर रहे हैं? जनरल वालों, आरएसएस के क्षमता, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ये दोनों नेताओं की गठबंधन की शुरुआत कहां से हुई? आप सबको मालूम है 2017 के आम चुनाव में एग्जिट पोल आखिरी चरण के चुनाव के ठीक 5 बजे शुरू हो गया। चैनलों ने जो एग्जिट पोल दिखाया उसमें किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी, लेकिन सपा और बसपा के मिलने से बहुमत की सरकार बन रही थी। एग्जिट पोल में कांटी में भी दो दिन बाद हो रहा है, अखिलेश यादव जी का कोई कहा गया, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ किसी हद तक जा सकते हैं।